आर्मी इसके लिए तैयार की गई है। 18 महीने से मैं भाई चंद्रशेखर के लगातार संपर्क में रहा। उस नौजवान की वेदना को, तड़पन को मैंने महसूस किया। अनेकों बार जेल में जा कर के हमने, तो उसके बाद मैं पिछले 6 महीने से लगातार सक्रिय हुआ। और अभी 3 दिन पहले मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस मौके पर भीम आर्मी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि 15 मार्च को दिल्ली में मान्यवर कांशीराम जी के 85वीं जयंती के अवसर पर एक बहुजन हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। वो भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम साबित हुई है। लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने में नाकाम साबित हुई है। और वो आंतरिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में भी नाकाम साबित हुई है। जिस तरीके से गुजरात से उत्तर भारतीयों को, महाराष्ट्र से उत्तर भारतीयों को मार के खदेड़ा गया, और अभी 3 दिन पहले लखनऊ के अंदर कश्मीरी फुटपाथ कारोबारियों को मारा पीटा गया भगवा ब्रिगेड के लोगों ने, तो ये मोदी के ऊपर एक करारा तमाचा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 4 में राष्ट्रीय एकता की और निर्बाध गति से पूरे देश में बात कही गई है कि वो व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तो इसको एक करारा तमाचा मिला है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, साथ ही हम प्रमोशन में आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। और जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और नारी समानता के लिए भीम आर्मी संघर्ष कर रही है। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसलिए नारी को भारत में, जिस देश में कहा गया कि स्त्री शूद्रो नाधीताम, यानी स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए, उस देश में नारी को न केवल रहन सहन में बल्कि संपदा में, रोजगार के अवसरों में, सत्ता प्रतिष्ठान में बराबर का सम्मान का मौका, बराबरी का मौका नारी के लिए देने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। आज अंबेडकरवादी आंदोलन भारत की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। भारत को अगर शांति लाना है और जो चारों तरफ आक्रोश है, असंतोष है, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, नौजवानों में जो आक्रोश है, इसका निवारण और निदान अंबेडकरवादी ताकतें और अंबेडकरवादी लोग ही इसके मसाइल के हल दे सकते हैं। और इसलिए हम लोग एक नई पारी की शुरुआत करते हुए मैं भीम आर्मी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। 15 मार्च को बहुजन समाज दिवस के रूप में जंतर मंतर नई दिल्ली में बहुजन हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। बांदा से भी हजारों की संख्या में लोग ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंचेंगे, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों से बातचीत करके और इन मुद्दों पर अपने व्यूज, अपने दृष्टिकोण रखने का मुझे मौका मिला।